हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत टकरिया और आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनडी टीवी का जो है एक आर्टिकल है जहाँ पे एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल जी कह रहे हैं कि ये जो हम 160 रुपए में जो है 1.6 GB डाटा जो यूज करते हैं वो जो है सही नहीं है। एक्चुअली में जो डाटा का प्राइस होना चाहिए वो करीब जो है 100 रुपए पर GB डाटा जो होना चाहिए। अभी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 GB या 1.5 GB या 2 GB जो भी हम पर डे के हिसाब से यूज कर रहे हैं वो करीब करीब जो प्राइस पड़ रही है वो करीब करीब जो है 20 रुपए के अंदर अंदर पड़ रही है। ये इन्होंने किस लिए कहा, ये जो है हमें कुछ यूरोपियन कंट्री या तो फिर कुछ अमेरिकन कंट्री के साथ जो है कंपेयर करके बता रहे हैं कि उधर जो है इतना महंगा पड़ रहा है, करीब करीब जो है 60 से 70 डॉलर जो है वहां पे दिया जा रहा है, मतलब 1 महीने का रिचार्ज के हिसाब से। तो इंडिया में भी जो है 100 रुपए पर GB के हिसाब से होना चाहिए, तो ये वो कह रहे हैं। देखिए, मैं ये जो है आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर हम उन सब कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया ये सब में काफी ज्यादा पीछे है। क्यों? क्योंकि उधर के जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी ज्यादा है। अगर इंडिया का अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2300 ऐसा कुछ जो है, मतलब 2338 जो है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमारा जो है पर कैपिटा इनकम है। अगर उसको हम पीपी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे करीब करीब जो है 9000 रुपए जो है डॉलर पड़ जाते हैं। तो अगर उन सब कंट्री के साथ अगर हमारा इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया जो है काफी ज्यादा पीछे है। अगर उनकी अगर कंट्री की इनकम अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब जो है उनका जो है 1 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है पर कैपिटा इनकम। 1 लाख डॉलर, किसी किसी में 75, किसी किसी में 50, किसी किसी में 40, इतना जो है गैप आ जाता है इंडिया में और यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री काफी ज्यादा डेवलप है, उधर अगर पैसा अगर चार्ज किया भी जाता है तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा महंगा है इंडिया के कंपेयर में। अगर हम इसे अगर चाइना से अगर कंपेयर करें तो चाइना भी जो है 10,000 से लेकर 11,000 पर कैपिटा इनकम उनका है, तो वो जो है काफी ज्यादा आगे है। तो चाइना में भी जो है इतना ज्यादा महंगा नहीं है जिस हिसाब से बताया जा रहा है, उधर भी जो है वो करीब करीब जो है 70-75 रुपया पर GB के हिसाब से जो है उधर रेट चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है इंडिया में जो है ये सब चल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है कि आने वाले टाइम में जो है आपको भी जो है 100 रुपए पर GB डाटा के हिसाब से देना पड़ सकता है। अगर देखिए, अगर एयरटेल बढ़ाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वोडाफोन आइडिया या तो फिर जियो चुप रहे, ऐसा तो है नहीं। बढ़ाएंगे तो सभी बढ़ाएंगे एक साथ। तो अगर आने वाले फ्यूचर में अगर पर जीबी के हिसाब से 100 रुपए में 100 रुपए आपको अगर चार्ज किए भी जाते हैं तो आप जो है सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये सब जो है धीरे धीरे बदल रही है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अगर ग्रो करती है, अगर हमारा पर कैपिटा इनकम अगर $5,000 भी होता है और हमसे जो है 20 के जगह पे अगर 30 भी लिया जाता है तो हम जो है खुशी खुशी देने को रेडी है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा पॉवर्टी है, उस हिसाब से अगर चार्ज किया जाए, अगर 100 रुपए अगर पर जीबी के हिसाब से आपसे लिया जाए तो मैं 100% लिख के देने को रेडी हूँ कि ये जो है बहुत ही जल्दी जो है जो अभी जो इंडिया में जो मार्केट है इंटरनेट का जितना ज्यादा ग्रो किया है ना, उतने ही स्पीड से जो है ये पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है लो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब मैं जो है यहाँ पे आपको कुछ कंट्री के जो है यहाँ पे डाटा प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा जो है वो इंडिया में मिलता है, सेकंड में आपका इसराइल है, इसराइल और इंडिया में जो है ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, और तीसरे नंबर पे आता है किर्गिस्तान, चौथे नंबर पे इटली, पांचवें नंबर पे यूक्रेन, छठे नंबर पे यहाँ पे कजाकिस्तान, सातवें नंबर पे सोमालिया, आठवें नंबर पे श्रीलंका, नौवें नंबर पे रसिया और दसवें नंबर पे यहाँ पे वियतनाम, ठीक है। चाइना भी जो है ज्यादा दूर नहीं है, चाइना भी जो है यहाँ पे 12वें नंबर पे आता है, इनका जो है 0.61 डॉलर जो है ये पर जीबी के हिसाब से यूज करते हैं। अगर हम इसे अगर इधर कैलकुलेट करके मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए 0.60 कितना था, 61 डॉलर, ठीक है। इसे जो मैं यहाँ पे इंडियन रुपी में जो है यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी का रेट चल रहा है, मैं करीब 75 रुपए के हिसाब से जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 45 रुपए पर GB के हिसाब से जो है यहाँ पे डाटा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि चाइना में भी बहुत ज्यादा महंगा है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सस्ता है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, तो ये सब काफी ज्यादा गलत है कि आने वाले टाइम में जो है आपका भी डाटा हो सकता है महंगा पड़ जाए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, एक और वीडियो में फोटो में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये 2019 का डाटा है। 2019 में देखिए इंडिया का जो पर जीबी के हिसाब से डाटा था वो 0.26 डॉलर जो है यहाँ पे एक जीबी पर डाटा के हिसाब से पड़ रहा था। यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 जीबी ऑफ मोबाइल डाटा इन सिलेक्टेड कंट्रीज इन 2019 इन यूएस डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रसिया का यहाँ पे 0.91, इटली का यहाँ पे 1.73, नाइजीरिया का यहाँ पे 2.22, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का 2.47, फ्रांस का यहाँ पे 2.99, ब्राजील का यहाँ पे 3.50, स्पेन का यहाँ पे 3.79, यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे 6.66, जर्मनी का यहाँ पे 6.96, चाइना का यहाँ पे 9.89, कनाडा का यहाँ पे 12.02, यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे 12.37, साउथ कोरिया का यहाँ पे 15.12, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का यहाँ पे 20.22। तो ये डाटा जो है ये 2019 का डाटा है, ठीक है। और ये भी जो है उसी वेबसाइट से लिया गया है, cable.co.uk। तो ये वेबसाइट है और इससे जो है आप जाके डायरेक्ट जो है पता कर सकते हैं कि कौन से कंट्री में अभी कौन से प्राइस पे जो है पर जीबी के हिसाब से डाटा जो है सिलेक्ट किया गया है। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा मोनोपोली हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में जो है जिसके पास पैसा है वो तो अच्छे खासे जो है इंटरनेट यूज कर पाएगा, क्योंकि 100 रुपए पर जीबी के हिसाब से जो है इंडिया में एक एवरेज इंसान को जो 10,000-15,000 जो यू काम करके कमाता है, तो ये कहीं से भी जो है वो 100 रुपए पर जीबी के हिसाब से देखे जो वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेगा। ये मेरा ओपिनियन है। आपको कैसा लगा, आपको आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी मुझे जरूर बताना कि 100 रुपए पर जीबी डाटा जो है आप यूज करना चाहते हो कि नहीं। अब देखिए जैसे ही जो है ये अभी जो नया रूल लागू हुआ है, जैसे कि जियो टू जियो जो है फ्री दे रहा है और फिर एयरटेल जो है हर जगह पे आपको कॉलिंग फ्री दे रहा है, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इंडिया में जो है जियो का भी मार्केट काफी बड़ा है, काफी बड़े जगह पे जो है लोग उसे यूज करते हैं जियो को, लेकिन जैसे ही जो है एयरटेल हर एक जगह पे जो है फ्री देना चालू किया है, तब से जो है लोगों का जो रुझान है वो जो है एयरटेल की तरफ ज्यादा आ गया है। और एयरटेल जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे भाव खा रहा है कि भाई हम जो है इतने लोगों को फ्री में कॉलिंग दे रहे हैं, तो आप जो है हमारी तरफ ज्यादा जो है अट्रैक्ट होइए। अब ऐसा ना हो कि भाई आप जो है खाली एयरटेल चलाते रहें और कुछ टाइम के बाद जो है टोटल सिचुएशन ही चेंज हो जाए और कहे कि भाई हम तो अब इतना पैसा लेंगे, हर एक जगह पे फ्री देंगे, तो आप जो है एयरटेल का ही सिम यूज करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जो है आप देखिए पब्लिक का काम क्या है, आप एक पब्लिक जो है एक से जगह पे दूसरे को नचा सकती है, तो आप जो है ऐसा ना हो कि खाली एयरटेल पे एयरटेल लगे रहें, ऐसा ना हो आप जियो भी यूज करिए, जहां पे आपको परवड़ता है आप तुरंत जो है शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरा ओपिनियन था कि एक जगह से दूसरे जगह से, मैं जैसे कि एयरटेल का भी सिम रखा हूं, जियो का भी सिम रखा हूँ और वोडाफोन आइडिया का भी सिम है, तो मैं जिधर चाहे उधर जो है तुरंत शिफ्ट हो जाता हूँ, जहां पे मुझे जो है फायदा दिखता है, जहां पे मुझे जो है सस्ते में अच्छा डाटा मिल जाता है, मैं जो है वहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ। और बाकी कॉलिंग की बात रही तो कॉलिंग जो है देखो आजकल जो है कॉलिंग रियलिटी में देखा जाए तो कोई दोस्त वोस्त जो है उतना ज्यादा बात नहीं होता है कॉलिंग का, अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, आजकल जो है सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव है, तो जो ज्यादा जो है कॉलिंग वगैरह नहीं करता है उसको जो है जियो ही यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जियो ही जो है एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो है अच्छे खासे जो है मेंटेन रख सकता है ये सबको, क्योंकि ये जो एयरटेल वोडाफोन जो ये सब जितने भी ऑपरेटर सिस्टम है, ये सब ऑपरेट क्या करते हैं, ये सब पहले से ही जो हमें लूटते हुए आ रहे थे, वो तो जियो के आने के बाद जो है मतलब क्या हो गया कि पता नहीं इंडिया में जो है अचानक से रेवोल्यूशन आ गया कि हम जो है डाटा पर जीबी डाटा जो है एक टाइम पे 6 महीने हम लोग फ्री यूज कर लिए, तो उससे जो है कि आदमी का जो भूख बढ़ गया ना, वो उसी का नतीजा है कि अभी जो है हमें इतना महंगा डाटा जो है परोसा जा रहा है और हम जो है गपागप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे और भी नॉलेजफुल वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।